नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स मास्टर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी सेंटअप क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसके जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गएंगे या पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसे अनंत सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे अनंत सिद्धांत कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अनंत सिद्धांत की बात होगी तो इसका आंसर इदम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अहम जो काम करता है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अहम काम किस पे करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पे काम करता है और इदम अनंत के सिद्धांत पे काम करता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, व्यक्तित्व सिद्धांत के शीलगुण उपागम का अग्रणी कौन है, ठीक है। व्यक्तित्व सिद्धांत के शीलगुण उपागम का अग्रणी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो दोस्तों शीलगुण उपागम में आपका जो अग्रणी है वो ऑलपोर्ट है, ठीक है, और उसके सहयोगी कैटल को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता या विकासक कौन है, ठीक है। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है, तो दोस्तों कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता मर्रे एवं मुर्गन है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका, निम्नांकित में से दबाव के प्रमुख स्रोत कौन सा है, ठीक है दोस्तों। निम्नांकित में के दबाव में से सॉरी निम्नांकित में से दबाव के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो दोस्तों वैसे तो इसमें अभिघाटज घटनाएं भी दबाव के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, और दिन प्रतिदिन की उलझलें भी आपका दबाव का प्रमुख स्रोत में आता है, लेकिन हमको चुनना एक है यहाँ पर, तो हम दिन प्रतिदिन वाले जाएंगे साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ जाएंगे। डेली लाइफ में जो घटनाएँ घटती है वो आपके दबाव के प्रमुख स्रोत में आते हैं, लेकिन ये भी आपका दबाव के प्रमुख स्रोत में आता है, लेकिन एक चुनना है तो हम बी के साथ जाएंगे, ठीक है। आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को निगलेक्ट कर दीजिएगा, कोई और क्वेश्चन बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, DSM-4TR में कितने आयाम हैं, ठीक है दोस्तों। DSM-4TR में कितने आयाम हैं, तो दोस्तों DSM-4TR में 5 आयाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विभ्रम मनोविदलता के किस लक्षण के अंतर्गत आ है, ठीक है दोस्तों। क्या है, विभ्रम मनोविदलता के किस लक्षण में आता है, तो दोस्तों याद रखिएगा विभ्रम जो आता है वो आपका सकारात्मक यानी कि धनात्मक लक्षण में आता है, ठीक है, पॉजिटिव सिम्टोम में आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है, ठीक है दोस्तों। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है, तो श्वसन अभ्यास को हम प्राणायाम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आपका है, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो दोस्तों स्ट्रेस आपका जो है लैटिन भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिकित्सा में क्लासिकी अनुबंधन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस चिकित्सा में क्लासिकी अनुबंधन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा में, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्वविद्यालय एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये आपको बताना है, तो विश्वविद्यालय दोस्तों औपचारिक समूह का उदाहरण है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने संज्ञानात्मक असंभाव्यता पर अधिक बल दिया है, ठीक है, किसने संज्ञानात्मक असंभाव्यता पर अधिक बल दिया है, दोस्तों ये हो जाएगा आपका फेंगिस्टर, ठीक है, लॉयन फेंगिस्टर इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही असंभाव्यता पर अधिक बल दिया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से मनोचिकित्सा का उद्देश्य कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित में से मनोचिकित्सा का उद्देश्य कौन सा है, तो अनुकूली व्यवहार, आत्मचेतना, सकारात्मक दर्शन, ये सारे के सारे क्या है उद्देश्य होते हैं मनोचिकित्सा के, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनोवृत्ति के तीन तत्वों के संगठन को क्या कहा जाता है, ठीक है। मनोवृत्ति के तीन तत्वों के संगठन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों मनोवृत्ति के तीन तत्वों के संगठन को हम ABC कहते हैं, ठीक है, और इसको हम याद करने के लिए कैब लिख लीजिएगा, इसको हम कैब के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है,
मनोवृत्ति के तीन तत्व के संगठन को हम कैब कहते हैं, यानी कि एबीसी तत्व कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से किसमें सदस्यों का पूरक कौशल होता है। ठीक है, निम्न में से किसमें सदस्यों का पूरक कौशल होता है, तो दोस्तों ये आपके टीम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है, तो भेदभाव से, वंचन से, आक्रामकता से। ठीक है, किससे होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सामाजिक असुविधा की बात किया है तो सामाजिक असुविधा आपका डिस्क्रिमिनेशन से होता है, यानी भेदभाव से होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, जन संकुलन अनुभूति में, ठीक है, दुख का भाव इसमें आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे क्या है आपके, जन संकुलन की अनुभूति में शामिल होंगे। ठीक है, दुख का भाव इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है, बांध, सड़क इत्यादि उदाहरण है। ठीक है, बांध, सड़क इत्यादि उदाहरण है, किसके उदाहरण है, दोस्तों बांध, सड़क इत्यादि आपके निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गरीबी का कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गरीबी का कारण नहीं है, तो निर्धनता चक्र, निर्धनता की संस्कृति, आर्थिक कारण, ये सारे हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण आपका गरीबी का कारण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है, तो प्रक्षेपात्मक कौशल, सामान्य कौशल, विशेष कौशल, ये सारे चाहिए आप, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, साक्षात्कार प्रारूप में कितने अवस्थाएँ पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, साक्षात्कार प्रारूप में कितने अवस्थाएँ पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा, साक्षात प्रतिरूप में आपको तीन अवस्थाएँ होती है। ठीक है, प्राइमरी स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है, और लास्ट में आपका इंड स्टेज होता है। ठीक है, तीन स्टेज होता है साक्षात्कार के प्रारूप में। ओके, अगला है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को क्या कहा जाता है, तो यह आपका काउंसलिंग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, परामर्श। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मानव संप्रेषण के तत्व कौन कौन से है। ठीक है दोस्तों, मानव संप्रेषण के तत्व कौन कौन से हैं, तो इसमें अभिग्रहण, पूर्णवाक विन्यास, अवधान, ये सारे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, परामर्शदाता की विशेषताएं हैं, यानी कौन कौन सी आपकी विशेषता है परामर्शदाता की, तो स्वयं की समझ, मानसिक स्वास्थ्य और खुली मानसिकता, ये सारे होने चाहिए विशेषता, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर आपका है, MMPI में कितना एकांश पाया जाता है। MMPI में कितना एकांश पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें सारे ऑप्शन गलत है, एकांश 567 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चुनना है तो आप 560 का जाइएगा। ठीक है, लेकिन होता कितना है, 567 होता है। नेक्स्ट आपका है, सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो दिया था वो आपका बंडूरा ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मानवतावादी उपागम के लेखक कौन है, सॉरी जनक कौन है। ठीक है दोस्तों, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है, तो मानवतावादी उपागम के जनक कार्ल रॉजर्स है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांवेगिक बुद्धि के संप्रदाय को किसने दिया था। ओके दोस्तों, सांवेगिक बुद्धि के संप्रदाय को किसने दिया था, तो सांवेगिक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोलमैन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परामर्श संबंधी आवश्यकता तो कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, परामर्श संबंधी आवश्यकता तो कौन नहीं है, तो इसमें आपका सामूहिकता तत्व नहीं होगा, निजता होगा, सहयोग होगा, गोपनीयता होगा, सामूहिकता नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्स्टन के अनुसार कितनी मानसिक क्षमताएं होती है। ठीक है दोस्तों, थर्स्टन के अनुसार कितनी मानसिक क्षमताएं होती है,
तो दोस्तों ठसन ने 7 मानसिक योग्यता बताए हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सृजनशील व्यक्ति है? ठीक है दोस्तों, कौन सृजनशील व्यक्ति है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ ठाकुर, आइंस्टीन, सीवी रमन, ये सारे के सारे आपके सृजनशील व्यक्ति में आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर है, व्यक्तित्व पद लैटिन शब्द पर्सोना से आया है जिसका अर्थ है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है पर्सोना का क्या अर्थ होता है जो लैटिन भाषा का शब्द है। तो दोस्तों पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किसने पूर्णतः क्रियाशील व्यक्ति का विचार प्रस्तावित किया था? ठीक है, किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का विचार प्रस्तावित किया था? तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो दिया था आपका वो कार्लोजस ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है प्रश्न, किसने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का विचार दिया था? तो आपका कार्ल रोजर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जो व्यक्ति बहुत हसमुख, सामाजिक व बातूनी होता है, ठीक है, यानी कि वह किस तरह का व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति बहुत हसमुख, सामाजिक व बातूनी होता है? तो दोस्तों वो व्यक्ति आपका बहिर्मुखी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बहिर्मुखी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो वह आपका स्वतंत्र सहचर सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सामाजिक प्रभाव का वर्णन किसने किया? ठीक है दोस्तों, सामाजिक प्रभाव का वर्णन किसने किया? तो दोस्तों सामाजिक प्रभाव का वर्णन एस ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता है? ठीक है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु से भी और तैथिक आयु की, जिसे हम क्रॉनिकल एज बोलते हैं, ठीक है, दोनों चाहिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ए और बी दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपका है, कैफीन एक तरह का उत्तेजक है जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो दोस्तों कैफीन का उपयोग सब में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा नहीं, क्योंकि यह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कैफीन जो होता है वो चाय में मात्र 3 से 4% पाया जाता है, यहाँ पर 75% की बात किया है। ठीक है, और यदि आपका कॉफ़ी में भी वो ज़्यादा नहीं पाया जाता है, 2-3% पाया जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप नेग्लेक्ट करके चलिएगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे होगी तो आप ऑप्शन नंबर 4 को जाइएगा अगर जाना चाहते तो, लेकिन मैं तो कहूँगा आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, टाइप एच व्यक्ति की विशेषता कौन सी है? ठीक है दोस्तों, टाइप एच व्यक्ति की विशेषता कौन सी है? तो टाइप एच व्यक्ति में नियंत्रण भी होता है, वचनबद्धता भी होता है, चुनौती भी होता है, ये तीनों विशेषता होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका है, संज्ञानात्मक व्यक्ति की बुद्धि होती है, ठीक है, संज्ञानात्मक व्यक्ति की बुद्धि होती है, सॉरी संज्ञानात्मक कहते हैं सृजनात्मक व्यक्ति की बुद्धि। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सृजनात्मक व्यक्ति की बुद्धि हम जाएंगे 3 के साथ, अतिश्रेष्ठ के साथ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3, अतिश्रेष्ठ यानी कि वेरी सुपीरियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, पर्यावरणीय दबाव कारकों का उदाहरण है, ठीक है, पर्यावरणीय दबाव कारकों का उदाहरण कौन सा है? तो भीड़, शोर, प्रदूषण, ये सारे आपके पर्यावरणीय दबाव में आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है? ठीक है दोस्तों, निम्न से कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है? तो दोस्तों इसमें प्रक्षेपी प्रविधि आपका यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक है, TAT, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जब बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह है, ठीक है, जब बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह कौन सी बुद्धि होगी? तो वह आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया? ठीक है, भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया था? तो वो एस एम मोहसिन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है दोस्तों,
किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हवार्ड गार्डनर ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है मदर टेरेसा में कौन सा सील गुण अधिक था? ठीक है दोस्तों, मदर टेरेसा में कौन सा सील गुण अधिक था? तो दोस्तों ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब तरह का है, क्योंकि यह पूरा मदर टेरेसा के व्यक्तित्व को जानना होगा इसके लिए कि मदर टेरेसा कैसी थी। ठीक है, इसलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग ग्रहण दीजिएगा, इसका हम आंसर जब रिवीजन क्लास लेंगे उस समय बताएंगे। ठीक है, फिर आपका है मनोविक्षिप्तता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, मनोविक्षिप्तता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो मनोविक्षिप्तता में आपका छिन्न स्मृति होता है, क्रूरता भी होता है, छिन्न एकाग्रता होता है, चिंता मुक्त नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मनोमितिक परीक्षण का अन्य नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, मनोमितिक परीक्षण का अन्य नाम क्या है? तो ये सारे के सारे आपके मनोमितिक परीक्षण हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे इनमें से सभी। ठीक है, एक तरह क्या है आपका टेस्ट है ये। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट है, तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मनोवैज्ञानिक दबाव का उदाहरण है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दबाव का उदाहरण कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक दबाव का उदाहरण आपका इसमें कुंठा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक है। ठीक है, सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत कैसे बनाएंगे, कौन कौन से कारक हैं? तो संतुलित आहार, सकारात्मक चिंतन और व्यायाम, ये सारे चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सभी क्या है सकारात्मक स्वास्थ्य के कारक है। नेक्स्ट है तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? तो तगड़ा व्यक्तित्व आपका दोस्तों एस व्यक्तित्व होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है असमान व्यवहार का कारक अलौकिक जीव है, यह क्या है? ठीक है, असमान व्यवहार का कारण अलौकिक जीव है, यह है एक मनोवैज्ञानिक उपागम है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जब व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसने अलमीरा बंद किया है कि नहीं, तो यह उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसने अलमीरा बंद किया है कि नहीं, तो यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों बार बार किसी क्रिया को हम करते हैं तो वो आपका मनोग्रसित बाध्यता विकार कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कौन सा मादक द्रव्य का प्रकार नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सा मादक द्रव्य का प्रकार नहीं है? तो अल्कोहल भी मादक द्रव्य है, कोकीन भी द्रव्य है और हीरोइन भी मादक द्रव्य है, काला पीत आपका मादक द्रव्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मन चिकित्सीय संबंध के लिए कौन सा आवश्यक है? ठीक है, मानसिक चिकित्सीय संबंध के लिए कौन सा आवश्यक है? तो गोपनीयता, शर्तहीन सकारात्मक सम्मान और परानुभूति, ये सभी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है किसने क्रमबद्ध विसंवेदीकरण का प्रतिपादन किया था? ठीक है दोस्तों, किसने क्रमबद्ध विसंवेदीकरण का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था आपका विलियम वोल्फ ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका है भारतीय दृष्टिकोण से कौन सी वैकल्पिक चिकित्सा है? ठीक है दोस्तों, भारतीय दृष्टिकोण से कौन सी वैकल्पिक चिकित्सा है? तो योग आपका वैकल्पिक चिकित्सा है। ठीक है, मनन आपका वैकल्पिक चिकित्सा है, एक्यूपंक्चर भी वैकल्पिक चिकित्सा है। ठीक है, लेकिन हाँ ये सारे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पूर्वाग्रह का कारण कौन है? ठीक है दोस्तों, पूर्वाग्रह का कारण कौन है? तो पूर्वाग्रह का कारण आपका सीखना भी हो जा सकता है, कुंठा एकाग्रता तो होता ही है और अंतर संबंध पक्षपात भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किसने छवि निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है? ठीक है दोस्तों, किसने छवि निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया है? तो दोस्तों यह अध्ययन किया है एस ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है समूह निर्माण के प्रमुख कारण कौन है? ठीक है दोस्तों, समूह निर्माण के प्रमुख कारण कौन है? तो समूह निर्माण में आपका समानता भी होगा, समीपता भी होगा और समान अभिप्रेरक लक्षण भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किसने
लोकप्रिय पुस्तक इन द माइंड्स ऑफ मेन लिखे है, ठीक है। किसने लोकप्रिय पुस्तक इन द माइंड्स ऑफ मेन लिखा, यहाँ पर लिखा लिखाना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द माइंड्स ऑफ मेन के लेखक आपका गार्डनर मर्फी है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, स्वतंत्र साहचर्य एवं स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सा विधि में होता है, ठीक है। क्या है आपका स्वतंत्र साहचर्य एवं स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सा विधि में होता है, तो वो आपका मनोज्ञात्मक चिकित्सा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। ये साइकोलॉजी में चिपको आंदोलन कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं है। चिपको आंदोलन आपका संबंधित है वो आपका हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तूफान किस प्रकार की विपदा है, ठीक है। सो तूफान किस प्रकार की विपदा है, तो तूफान जानते हैं या प्राकृतिक विपदा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ई हाल के अनुसार किसे व्यक्तिगत स्थान के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ई हाल के अनुसार किसे व्यक्तिगत स्थान के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक दूरी, ठीक है, जन दूरी होता है, ठीक है, सामाजिक दूरी होता है, दैहिक दूरी होता है, ठीक है, लेकिन आपका मनोवैज्ञानिक दूरी ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाए, सॉरी सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न है, अगला है, निम्न से कौन सा टेलीविजन का ऋणात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है। सो ऋणात्मक प्रभाव नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे कौन सा है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो इसमें से आपका प्रो सोशल बिहेवियर इम्पैक्ट अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बिहेवियर है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, यानी कि नेगेटिव है, तो इसमें से आपका नेगेटिव कौन नहीं है, तो ये आपका प्रासामाजिक व्यवहार नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव बिहेवियर होता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका है, कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है, ठीक है दोस्तों, कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है, तो इसमें से आपका हो जाएगा अपरिवर्ती संप्रेषण की विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका है, प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का हिस्सा होता है तो वह उसे कहा जाता है, ठीक है। क्या है प्रश्न, प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का हिस्सा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे सहभागी प्रेक्षण कहते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे शरीर की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, किसे शरीर की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा आपका एक मिनट ऑप्शन देख लेते, इंग्लिश में थोड़ा सा गेस्चर होगा, भाषा होगा, पोस्चर होगा, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, आसन मुद्रा आपका नहीं होगा, ठीक है, शारीरिक भाषा में आसन मुद्रा नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मानव संप्रेषण का पहलू कौन नहीं है, ठीक है, मानव संप्रेषण का पहलू कौन नहीं है, तो आपका अटेंशन होगा, रिसेप्शन, अभिग्रहण, ठीक है, होता है रिसेप्शन, एक मिनट सॉरी क्या हो जाता है बार बार पीडीएफ थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कर रहा है, मानव संप्रेषण का कौन पहलू नहीं है, तो मानवीकृत व्याख्या आपका मानव संप्रेषण का पहलू नहीं है, बाकी सारे आपका क्या है, सारे पहलू हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके साइकोलॉजी के प्रश्न, उम्मीद है आपने सारे प्रश्न कर लिए होइएगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सामाजिक प्रभाव का वर्णन किसने किया था, ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव का वर्णन दोस्तों इसमें से ऑप्शन इसमें सही कर लीजिएगा आपका फोर होगा, ये एस नहीं होगा, ठीक है, फोर होगा क्योंकि सामाजिक प्रभाव का वर्णन अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, ठीक है।
ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें शुरू में शायद मैंने एस बता दिया था, इसको सही कर लीजिएगा, इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए